हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चल रही है हमारी रिवीजन की क्लास। रिवीजन की किस लिए? क्योंकि आगामी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, यूपीपीसीएस की, एमपीपीसीएस की, आरओ एआरओ एपीएस इत्यादि एग्जाम को ध्यान में रखकर आपके लिए रिविजन की क्लास चलाई जा रही है स्पेशल आपके लिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर सको। अब लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट खत्म करे, जो कि हमारे भाग 3 के अंतर्गत रखे गए थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अंडरस्टैंड? अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई भाग कितने मौलिक अधिकार हमें आज के टाइम में वर्तमान समय में प्राप्त हैं, और मूल संविधान के अंतर्गत यानी 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान के अंदर कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। साथ ही ये भी कमेंट करेंगे आप सर कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से अनुच्छेद के तहत कितने प्रकार की रिटें दायर की जा सकती है, साथ ही हाई कोर्ट के पास कौन से अनुच्छेद के तहत कितने प्रकार की रिटें दायर की जा सकते हैं। उन रिटों का आप एक बार रिवाइज कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कितने प्रकार की रिटें, हिंदी और इंग्लिश। रिवीजन जितना कर सकोगे उतना बढ़िया है। क्लियर? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सहकारिता समिति को लेकर, सहकारिता समिति। परंतु उससे पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, पंचायतें। पंचायतें पंचायतें लिखना ठीक है, परंतु हम लिखेंगे आज स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार यानी पंचायत, नगर पालिका। पंचायत एवं नगर पालिका है, ठीक है। अब सवाल बनता है, क्या हमारे संविधान के अंतर्गत, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था, क्या मूल संविधान में पंचायतों का प्रावधान था? मतलब कि पंचायत स्थानीय सरकार को, स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी या नहीं? अगर नहीं थी तो फिर कब, कौन से भाग में, कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संविधान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्योंकि हमारे मूल संविधान के अंतर्गत स्थानीय शासन को, स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था, बस ओनली राज्य की ड्यूटी थी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 में राज्य की ड्यूटी थी पंचायतों का गठन। कौन सा भाग है? भाग 4 के अंतर्गत। क्लियर? पंचायतों का प्रावधान था परंतु राज्यों का कर्तव्य था वह भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। क्लियर? 40 से निकल के आया क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायतें। क्लियर? अब कहां पे अमेंडमेंट किया गया भैया, ये भी तो जानने वाली बात है। तो भाग संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया। क्लियर? भाग 9 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया। तो भाग 9 के अंतर्गत साथ ही अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक रखा गया। कौन से भाग में रखा गया? भाग 9 में रखा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया। अमेंडमेंट कब किया गया?
अमेंडमेंट कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था, कब किया गया? 1992 में किया गया। मूल संविधान में नहीं थे, वर्तमान में है, भाग 9, 73वां संविधान संशोधन 1992, अनुच्छेद 20। 1, 2, 3, 4 चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चार, और एक मूल संविधान में था, पांच प्रकार के। क्लियर? ये तो, और छठा, भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची में रखा गया, अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए। और कितने विषय थे मेरे प्यारे दोस्तों, कितने विषय रखे गए पंचायत के लिए? 29 विषय। ये भी पूछ लेंगे भाई कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय पंचायत लिस्ट में रखे गए, जो कि पंचायत कानून निर्माण करेगी। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय किसके थे? पंचायत के, पंचायत। क्लियर? तो पंचायत संबंधी प्रावधान आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 243 साथ ही अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जो जिसके अंतर्गत 29 विषय रखे गए थे। क्लियर? यह था हमारा पंचायत संबंधी प्रावधान। अब हम बात करेंगे नगर पालिका के बारे में। रफ करूं? चलो, अब बात करते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। 1992 में 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, मूल संविधान में थे नहीं, है ना, बाद में जोड़े गए। तो 74वां संविधान संशोधन किए गए 1992 में, और कहां रखा गया? तो ये रखा गया भाग 9 के ए में, भाग 9 के ए में रखा गया, और भाग 9 के ए में रखा गया अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक था, तो ये 243 के पी से लेकर के पी से अनुच्छेद 243 जेड के जी तक, कहां तक? जी तक। क्लियर? अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक रखा गया, किसका? नगर पालिका संबंधी प्रावधान। अब कौन से अनुसूची है भैया? अनुसूची 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें क्या किया? एक 12वीं अनुसूची जोड़ी नगर पालिकाओं से संबंधित, और कितने विषय जोड़े गए? 19 विषय इस लिस्ट में नगर पालिका से संबंधित जोड़े गए। 12वीं अनुसूची 19 विषय नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, 243 पी से 243 जेड जी तक है, और भाग 9 ए के अंतर्गत नगर पालिका को रखा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिका संबंधी प्रावधान किए गए, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा पंचायतों का संबंधित। अब पंचायतों का जनक भारत में कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा। पंचायत स्थानीय शासन का जनक, लॉर्ड रिपन। क्लियर? अब इसका समय काल क्या है भैया, ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। इसका टाइम पीरियड है 1884 तक है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन था कौन? लॉर्ड रिपन भारत के अंदर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था। लॉर्ड रिपन कौन था? लॉर्ड रिपन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था। और इसने ये क्या कहलाता है, ये स्थानीय शासन का जनक कहलाता है भारत के अंदर। कब तक था इसका शासन? 1880 से 1884 तक था। क्लियर, स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन। और इसने कुछ अन्य कार्य भी किए थे लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन की बात आई है तो लॉर्ड रिपन ने क्या क्या अन्य कार्य किए थे ये भी लिख लो हाथों हाथ कि भाई स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, यानी कि भारत के अंदर स्थानीय शासन की व्यवस्था स्थापित की। साथ ही इसने एल्बर्ट बिल 1883 लेके आया था। एल्बर्ट बिल में क्या था कि भाई इसने व्यवस्था करी थी कि भाई हमारे देश के अंदर ब्रिटिश न्यायाधीश जो थे, अंग्रेज न्यायाधीश जो थे, भारतीयों पर शासन नहीं, मतलब कि भारतीयों का न्याय करते थे। तो रिपन ने क्या किया, रिपन ने एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की कि भारतीय न्यायाधीश जो है वो भी अंग्रेज न्यायाधीश के समान, भारतीयों का तो सुनेंगे सुनेंगे, साथ में अंग्रेज जो ने जो भी आरोप प्रत्यारोप करे होंगे उन पर न्याय करने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को भी दिया जाए। क्लियर, यानी कि जो भारतीय लोग होंगे अगर जब वे न्यायाधीश बनेंगे तो उन्हें अधिकार दिया जाए अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का। ठीक है, तो इसलिए भारतीयों को अधिकार देने हेतु, भारतीयों के जजों को अधिकार देने हेतु लॉर्ड रिपन द्वारा एल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसका विरोध लंदन में अंग्रेजों द्वारा किया गया और रिपन को वापस बुला लिया गया और एल्बर्ट बिल कोलैप्स हो गया था। क्लियर, क्लियर है। और ये जो घटना घटी, हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उदारवादी वर्ग थे, बुद्धिजीवी शैक्षणिक वर्ग थे, उन पे बड़ा प्रभाव पड़ा कि भाई एक बिल लेके आए थे और लंदन के अंदर जो विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, इकट्ठा होकर संगठन बना के जो विरोध उत्पन्न करा, जिसके माध्यम से क्या हुआ, लॉर्ड रिपन बिल तो रद्द हुआ ही हुआ, एल्बर्ट बिल तो रद्द हुआ ही हुआ, साथ ही लॉर्ड रिपन यानी कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को भी वापस बुला लिया। तो इसका मतलब इस संगठन में, मतलब कि जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो उनके दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी एक ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का निर्माण करें जो कि 1885 में भारत के अंदर, जो कि 1885 में प्रफुल्लित भी हुई। क्या 1885 में आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। क्लियर, किस मतलब कि एल्बर्ट बिल से ही। ठीक है, एक होगा एल्बर्ट बिल लेके आए, और एक तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना करी, दूसरा एल्बर्ट बिल, तीसरा क्या करा भैया, तीसरा करी इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में प्रतिबंध हटा दिया, हटाया किसके द्वारा हटाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे तो प्रतिबंध 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, तो इसका मतलब लगाया भी गया होगा किसी के द्वारा, तो लगाया गया था 1888 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस लगाया, एक्ट लगाया गया था 1878 में। देखो तीन क्वेश्चन बन गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, कौन लेके आया, लॉर्ड लिट्टन द्वारा लेके आया, क्यों लेके आया, जो भारतीय प्रेस थी ना उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अब उसे हटाया किसने, लॉर्ड रिपन ने हटाया गया 1882 में। क्लियर है, नेक्स्ट है भैया, इसके माध्यम से लॉर्ड रिपन ही पहली बार 1881 में नियमित रूप से जनगणना भारत के अंदर करवाई गई, नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई,
किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका मतलब अनियमित रूप से भी हुई होगी कभी ना कभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो नियमित रूप से कराई गई किसके द्वारा? 1881 में लॉर्ड रिपन। तो अनियमित मतलब कि सर्वप्रथम कब हुई? सर्वप्रथम बोल देंगे उसे, अनियमित ना बोल के, अनियमित ना बोल के। सर्वप्रथम कब हुई? सर्वप्रथम 1872 में जनगणना, किसके द्वारा? जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई, लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई। क्लियर, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, आगे बढ़े। चलो अब ये रिपन द्वारा कराई गई, लॉर्ड रिपन, और ये मेयो द्वारा कराई गई। तो इसका मतलब आप लोगों ने तीन वायसराय के नाम जान लिए हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड मेयो पहले आए, फिर उसके पश्चात लिट्टन आए, फिर उसके पश्चात रिपन आए, रिपन के पश्चात डफरिन आए। डफरिन के टाइम में 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर है? तो लॉर्ड रिपन का टाइम क्या था? 69 से 72 तक। ठीक है, क्लियर। चलो अब भैया क्या करना है हमें, ये लॉर्ड मेयो कौन थे? लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वॉइस रॉय थे भारत के जो अपने शासनकाल के दौरान ही जिनकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड मेयो की इनके शासनकाल के दौरान ही हत्या कर दी भैया। कहां पे? अंडमान निकोबार में जा रहे थे भ्रमण पे, कोई अफगान कैदी था, है ना, सेलुलर जेल थी ना हमारी अंडमान निकोबार में, तो कोई अंडमान निकोबार में अफगान सैनिक था, उसने उठा के छुरा घोप के लॉर्ड मेयो को मियाऊ मियाऊ करा के सुला दिया। तो उनकी कहने का मतलब एकमात्र ऐसे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जिनका जिनके शासनकाल के अंतर्गत देहवास हो गया, यानी कि चल बसे। क्लियर है? लॉर्ड लिट्टन लिटरेचर थे, लिटरेचर लिटरेचर के धनी थे, यानी साहित्यकार थे। तो इन्हें लिटरेचर का यानी कि साहित्य में, साहित्य का क्या कहते हैं? ओवन मोरीडिथ, मोरीडिथ लॉर्ड लिट्टन को क्या कहते हैं? ओ साहित्य का, किसका? ओवन मोरीडिथ, साहित्यकारों में, साहित्यकारों का ओवन मोरीडिथ है ये, कौन? लॉर्ड लिट्टन। क्लियर है? लॉर्ड रिपन द्वारा एक और चीज लाई गई, पहला फैक्ट्री या कारखाना एक्ट 1881 लाया गया। 1881 पहला फैक्ट्री कारखाना एक्ट लेकर आया 1881, जिसके अंतर्गत पहली बार क्या कहा गया कि बच्चों, बच्चों यानी 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या फैक्ट्री में कार्य कराना प्रतिषेध है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई कब आया पहला फैक्ट्री एक्ट? पहला आया 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक आया इनके समय में हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर आयोग 1882 में आया। किस लिए? शिक्षा संबंधी। किसके लिए? शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी हंटर आयोग है। तो ये लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ सवाल जवाब थे। तो आशा है आप सबको ये लॉर्ड रिपन से संबंधित सवाल भी समझ में आए होंगे और स्थानीय शासन का जनक है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सहकारी समिति को से लेके होगा। क्लियर? रफ करूं? उतार लेना आप सबने, उतार लो फटाफट। तो भैया सहकारी समिति, पहला सवाल तो यही बनेगा कि सहकारी समिति हमारे संविधान में, मूल संविधान में थी या नहीं थी? अगर थी तो कहां पे थी, और नहीं थी तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
एक टॉपिक से ही कितने सारे फैक्ट बन जाते हैं, है ना। ये निरंतर प्रयास करने से ही आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई कोई घुंडी पिला दो अगर एकदम से आ जाएंगे। ये तो रिवीजन रिवीजन मस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी चीज में इतनी प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप ही स्वतः ही हमारी उंगलियों पे हो जाएंगे, मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम क्या देखेंगे, सहमति, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, तो सहकारी समिति हमारे मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत जब लागू किया गया तो उस टाइम मौजूद नहीं थी, तो इसका मतलब बाद में ऐड की गई होगी। कहां कहां ऐड की गई, एक तो ये कब ऐड की गई, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई ये, और कौन से अनुच्छेद में ऐड की गई ये, और कौन कौन से भाग में संशोधन किया गया। क्लियर, आ जाओ फिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों कब ऐड की गई, तो इसके लिए 1957 संविधान संशोधन किया गया, 57वां संविधान संशोधन किया गया, अधिनियम कब, अभी हाल में ही किया गया था, आज से 12 साल पहले 2011, कि भाई 57वां संविधान संशोधन किया गया कब, 2011 में। उसके माध्यम से ये जोड़ी गई, कहां जोड़ी गई कि सर भाग 9B में, और 9A में क्या है, नगर पालिका, 9 में क्या है, पंचायत। समझ रहे हो मेरा मोटिव क्या था, कि भाई नो नो ए नो बी, कि भाई कंटिन्यू करा दूं आपको जिससे कि आप अच्छे से कर सके, ठीक है। 9B के कौन से अनुच्छेद में, भाग 9B, अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद हो गया 243, वो जेड जी तक थे, तो ये जेड जी के बाद एच से कहां तक, अनुच्छेद 243 के जेड टी तक। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब भैया कौन सी अनुसूची में ऐड होगी, अनुसूची सातवीं यानी कि शक्ति पृथक्करण इसमें, सातवीं अनुसूची में तीन लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सहकारी समिति राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत रखी गई, राज्य सूची के अंतर्गत। जब राज्य के अंतर होगी तो राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने हेतु और विनियमित या रेगुलेट करने हेतु कानून का निर्धारण करेगी, परंतु जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजिशन होगा, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य या अनेकों राज्यों का सवाल उत्पन्न होगा, तब जाके संघ सरकार यानी संघ सूची का विषय होगा, संघ सरकार उस पर कार्य बनाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे चिकित्सा संबंधी यानी स्वास्थ्य संबंधी किसका विषय है, राज्य सूची का, परंतु जब एक क्षेत्र से एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिशन होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, संघ सरकार का। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो ये हो गया हमारा सहकारी समिति। अब सहकारी समिति हमने देखा कि भाई 57वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में हुआ, भाग 9 के बी में रखा गया, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद जेड 243 जेड टी तक रखा गया, अनुसूची 7 के कब
काहे में, राज्य सूची में, जब राज्य के अंतर्गत का विषय होगा तब, है ना। फिर हम देखेंगे अब क्या होता है। अब कहां कहां संशोधन किया गया, एक तो भाग 9 में किया गया, एक भाग 3 में किया गया, भाग 3 के अंतर्गत किया गया, भाग 3 के अंतर्गत किया गया। भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद 19(1) का सी में कि प्रत्येक नागरिकों को सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 9 का सी, 9 के 1 का सी, भाग 4 में अनुच्छेद 43(b), भाग 4 में 43(b) कि भाई राज्य के अंदर सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने हेतु और एवं नियमित करने हेतु कार्य करेगा। ये राज्य की ड्यूटी होगी, ये नागरिकों के लिए अधिकार होगी कि भाई मूल अधिकार के अंतर्गत संशोधन किया गया और 19(1) के सी में रखी गई, साथ ही भाग 4 के डीपीएसपी में संशोधन कर अनुच्छेद 43 के बी में रखी गई। क्लियर। कितने सहकारी समिति का प्रावधान कहां कहां किया गया कि भाई 9वें भाग में किया गया, 34वें भाग में किया गया और साथ ही 4थे भाग में किया गया। तो इतना आप सबको याद रहेगा कि भाई सहकारी समिति कहां का, सहकारी समिति 57वां संविधान संशोधन किया गया 2011 में किया गया, भाग 9(b) में रखा गया ऐड करके अनुच्छेद 243(zs) से 243(zt) तक अनुसूची 7वीं अनुसूची के शक्ति पृथक्करण में राज्य सूची, जब राज्य का विषय होगा मतलब राज्य के अंतर्गत की बात होगी, राज्य के अंतर्गत सहकारी समिति बनी होगी। फिर भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) के सी में रखा गया, भाग 4 के अनुच्छेद 43(b) में रखा गया। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। सहकारी समिति को लेकर अगर कोई भी डाउट हो आप सबको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जल्द दिया जाएगा। तो लो भैया हमने क्या किया, पंचायत नगर पालिका सहकारी समितियां एक ही फॉर्म में लिख दी कि भाई पंचायतें कब गठन की गई, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(o) तक, अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29वीं से, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन पंचायत 73वां, नगर पालिका 74वां 1992, भाग 9a अनुच्छेद 243(p) से 243(zg) तक, ठीक है। इसकी अनुसूची रहेगी भैया, कोई बात नहीं रहने नहीं देंगे, अनुसूची 12 विषय 19, ठीक है क्लियर। साथ ही सहकारी समिति 57वां संविधान संशोधन किया गया 2011 के अंतर्गत, भाग 9(b) में अनुच्छेद 243(z) से ZH से 243(zt) तक, भाग 3 के अंतर्गत भी अमेंडमेंट किया गया 19(1) के सी में और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 43(b) से 43(b) में किया गया और अनुसूची 7वीं की राज्य लिस्ट का विषय रखा गया, क्या सहकारी समिति। तो ये कुछ आप सबके लिए लेकर आया था मैं अमेंडमेंट। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा आपको अच्छे से पता होगा कि भाई पंचायत, साथ ही स्थानीय स्वशासन का जनक देख लिया, साथ ही हमने लॉर्ड रिपन के बारे में भी जानकारी ले ली कि लॉर्ड रिपन को उदारी भारतीयों के लिए उदार वॉयसराय क्यों कहा गया, भारतीयों के लिए उदार व्यवहार रखने वाला क्यों कहा गया, क्योंकि उसने उदार कार्य किए थे भारतीयों के लिए, जैसे कि आपका फैक्ट्री कारखाना एक्ट अधिनियम लेके आया था 1881, भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट करी थी कब कि भाई 1881 में पहली बार, फिर शिक्षा संबंधी सुधार हेतु कार्य किया गया प्राथमिक शिक्षा को लेकर हंटर आयोग 1882, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 के माध्यम से हटाया गया, रिमूव किया गया। साथ ही मैंने बताया आप सबको कि एक इल्बर्ट बिल 1883 में लेकर आया गया, क्लियर, जिसके विरोध के कारण लॉर्ड रिपन को भारत से जाना पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई हुई ये छोटी सी इंफॉर्मेशन से आप सबको अच्छा लगता है, अगर आपको एग्जाम में उपयोगी होती है तो आप
क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई रिवीजन की वीडियो के साथ। धन्यवाद।